2-3 महीने हो गए हैं, आप लोग घर वापस गए सब अपने अपने. Did you miss being on roadies? Yes, yes. Totally. Yes, totally. It's very natural. मगर जब तुम roadies के बारे में सोचते हो तो it's a good feeling or bad feeling? Bad feeling आती है. हाँ. क्या हो गया शेट्टी? शेट्टी 3 महीने से रूम से नहीं निकला अपन. क्या हो गया? 8 सीजन जो भी चल रहा था एक रीरन भी नहीं मिस करता था. हर सीजन का देखता था सर, लेकिन अपने ही सीजन में नहीं देखता हूँ. What do you regret? एक था वो बी बॉइंग वाला टास्क मुझे करना था. सच में सर लॉजिक यूज की गंदा कटा. अभी ट्राई करेगा? चल कुछ करके दिखा दे बी पॉइंट. सर कुछ भी सर. कम ऑन. मेरे मन में बस ये चल रहा था आज गिव अप मत कर देना, आज ये मत बोल देना सर मेरे से नहीं होएगा. कम ऑन. एज यूजुअल एक फनी सी फीलिंग थी, बट समहाउ अगर उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उस बंदे ने बहुत सहा है और कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा था कि मुझे एक पॉइंट मिले जहाँ पे मैं अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट पा सकूँ. एक बात तो प्रूव हो गई कि अच्छा हुआ तूने बैकआउट कर दिया उस्ताद से. तू सचमुच टाइम वेस्ट कर रहा है. लॉजिक ही यूज कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी टारगेट थे. इसलिए डराने का भी यार मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और उसको सवाल की तरह लेना और जवाब देना. आपको लगता है आपने जस्टिस किया है इस चांस को? इस बार जो चंडीगढ़ का ऑडिशन था मेरा जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे वो इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज था उस टाइम पे. तो जब मैं वो ऑडिशन दे के बाहर निकला और मैं बाहर बैठ के रो रहा था तो बस दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं जर्नी पे नहीं गया तो मेरा क्या होगा. तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता. बट उसके बाद जो फिर मेरे साथ हुआ मुझे लगता है कि मैंने अपना रोडीज के अंदर उतना दिया जहाँ मेरे को लगता था कि मैं बेस्ट दे सकता हूँ वहाँ मैंने अपना बेस्ट दिया. तू कह रहा है कि तेरे को जो चांस दिया था तूने उसको जस्टिफाई किया तूने उस चांस को. ये कह रहा तू? What do you say? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर खड़े होने के बाद भी विकास डेफिनेटली डिजर्व अ प्लेस हियर. अगर वो ट्विस्ट नहीं आया होता जहाँ पर मैं अपने हाथ से दियाली का नाम लिख रही थी और मैं अपने हाथ से विकास का नाम नहीं लिख पाई, बट स्टिल ही वेंट आउट. एक एक करके मेरे को बताओ, कनेक्ट से स्टार्ट करेंगे कि आपके हिसाब से हु इज द रोडी हु डिजर्व्स द एक का नाम लो. मैं विकास का नाम लूंगा. हिमानी. खुशबू. डेफिनेटली विकास. मैंने इतने टास्क करे, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, मैं इतने आगे तक सरवाइव करके गया तो बस एक अंदर वो थी कि यार भगवान एक बाइक दिला दे माँ कसम जिंदगी भर तेरे पैर धो के पीऊंगा मैं. विकास, जब तुम्हारा वोट आउट हुआ था जी सर, तुम्हारा जाते जाते रणविजय को एक सवाल था. मैं चाहता हूँ कि मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से तो रघु सर आएँ और वो मुझे बताएं कि मेरा सफ़र कैसा था. मैंने तेरे को सफ़र में कई बार बता रखा ना अपना ओपिनियन. क्या बोलता था तेरे को यहाँ लिखने के लिए टैटू करने के लिए क्या बोलता था? याद है या भूल गया? लूजर. लूजर बोलता था तेरे को. फिर भी मेरी राय जाननी थी. जी सर. आई टेक माई वर्ड्स बैक. You're not a loser. In fact, मुझे तेरी परफॉर्मेंस, तेरा रवैया, तेरा एटीट्यूड पसंद है. जर्नी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है रघु सर से मिली है, जो शायद मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं देखी है. वीक पोजिशन से स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आया तू. आई एग्री विथ सम पीपल हियर. आई थिंक यू डिजर्व सम रिस्पेक्ट. तुम सबके अपने अपने वोट हैं. मैं तुम सबको ओवरऑल अगर कर सकता हूँ तो आई लाइक टू गिव यू अ बाइक. जब बोला गया कि विकास सब परफॉर्मर और विकास को बाइक मिलेगा तो सच्ची में मेरे को बुरा लगा. आई डिड नॉट लाइक इट. बाइकें हो गई. आई रियली वॉन्ट टू गेट बैक टू बिजनेस. कि यहाँ हम किस लिए आए हैं? रोड इज नाइन एवरीथिंग और नथिंग का विनर डिसाइड करने आए, राइट? कैसे होने वाला है? आज एक टास्क होगा, उस टास्क में दो टीम्स होंगी. आप चार खुद ही डिसाइड करेंगे कौन कौन टीम में. जो टीम जीतेगी वो फिनाले में जाएगी, जो टीम हारेगी उनका रोडीज का जो सफर है वो यहीं पे खत्म. टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूं. गिव मी अ मिनट. मी टू. एक्सक्यूज अस. मेरे हाथ में एक लैपटॉप है और मेरे हाथ में एक रोबोट. सिंपल सा टास्क है. लैपटॉप इस रोबोट को कंट्रोल करता है. एक बटन दबाओ आगे, एक बटन दबाओ पीछे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बंद खोला सब.
बस एक छोटा सा गेम खेलना है। एक मेज है हमारे पास, मेज समझते भूल भुलैया, तो उसके अंदर एक रास्ता है, हर रास्ते में कहीं बंद है कहीं खुला है। आप लोगों को उस मेज के अंदर जाना है, एक चीज सेंटर में पड़ी है उसको उठाना है और वापस बाहर आ जाना है, राइट? दो लोग हैं टीम में, दोनों एक एक बारी करेंगे, उन दोनों का टाइम जोड़ दिया जाएगा और जो भी एवरेज टाइम होगा उसको लेंगे। जिस टीम का एवरेज बेटर होगा वो टीम जीत के फिनाले में पहुंच जाएगी। Got it? मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था, लेकिन कनक पे मुझको थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि कनक लैपटॉप के साथ पहले मैं सब किया हुआ है एक टास्क में। आप फाइनल फोर में हो, अब चीजें आपके लिए मुश्किल होनी शुरू होती है। आप सबके पास एक मौका है रोडीज नाइन एवरीथिंग और नथिंग जीतने का। आप सबके पास एक एक भी और एक है विकास के पास। इसका मतलब ये है कि एक मौका विकास को भी मिलेगा वापस आने का, जीतने का। दूसरा जीवन मिल जाता है इंसान को, कि पहली बार तू मर गया, फिर भगवान ने बोला चल एक जीवन और ले ले तू, और उस जीवन को मिलने के बाद जो फील आती है ना मेरे अंदर, वो फील थी। और अब मैं दिखाता हूँ कि रोडीज के अंदर फाइनल में होता क्या है। जो टीम हार गई वो तो आउट, जो टीम जीतेगी उन दोनों में ऑब्वियसली इंडिविजुअल टाइमिंग्स होंगे, मगर वो किसी को पता नहीं, वो किसी को पता नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ आपका एवरेज बताएंगे। आप चारों के परफॉर्मेंस के बाद विकास भी उस लैपटॉप में वही चीज करेगा, मेज के अंदर जाएगा, सामान उठाएगा, वापस आ जाएगा। जो एक परसेप्शन है कि विकास कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, या तो वो आज प्रूव हो जाएगा या हमेशा के लिए विकास का मुंह बंद हो जाएगा। जब विकास को मौका मिला तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कंपटीशन है, मतलब जो मेरे चांसेस है उनके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेरे चांसेस कम हो गए हैं। विकास, या तो आज कर दे या आज के बाद मुंह मत खोलिए। आप फाइनल फोर हो, याद रखना इस बात को, विकास नहीं है। विकास को वापस आने के लिए जो टीम जीतेगी, विच विल प्रूव दैट दे आर बेटर देन द सेकेंड टीम, ही विल हैव टू प्रूव कि वो उस टीम में से किसी एक से बेहतर है इस टास्क में। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि चार बंदों में से जो बेस्ट निकलेगा मुझे उसको चैलेंज करके आगे बढ़ना है। जब सिचुएशन हम और भी डिफिकल्ट बना देते ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू शाइन। ऑलराइट, हम आपको कुछ टाइम देंगे टू गेट एक्वेंटेड विद द रोबोट और फिर आप टास्क कर देना, सिंपल। उसके बाद हमें जो रोबोट था और लैपटॉप था जिसे वो कनेक्ट था वो लाया गया, उसका एक हमें डेमो दिखाया गया कि कैसे चलता है रोबोट। ये सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये रोबोट कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज फॉरवर्ड बैकवर्ड। दिखने में बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था कि यार ये लैपटॉप लेंगे, सामने रोबोट होगा, इसको बटन दबाएंगे वो चल जाएगा। इससे मैंने ये पूछ लिया था कि अगर ये टीम जीते तो आप किसको चैलेंज करना चाहेंगे और दूसरी जीते तो किसको चैलेंज करना चाहेंगे। कनक और तरन में से आप चैलेंज करना चाहते थे कनक को, कोई फायदा नहीं इसका। तो विनय और हिमानी में से आपने चैलेंज किया है विनय को, राइट? अगर मैं चाहता तो मैं लड़कियां भी चूज कर सकता था, मैंने सिर्फ ये देखा कि चाहे कोई सा भी टास्क हो मुझे इन दोनों लड़कों के साथ ही कॉम्पीट करना है। इसका मतलब ये है हिमानी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर इन द। बहुत ज़्यादा दिमाग में फितूर सा छा गया कि लोग बोलते थे ना, जो अपने मुंह में मिठू बोलते थे कि हाँ मैं परफॉर्म हूँ, मैं परफॉर्म हूँ। मैंने प्रूव कर दिया कि मैं भी परफॉर्म हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऑलराइट विकास, गेट रेडी। विकास, एक हेल्पर चूज कर इनमें से। अर्श ने मुझसे आगे डायरेक्ट पूछा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, इसलिए मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया और इसलिए मैंने उसको अपना पार्टनर चूज किया। योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो। स्ट्रेट 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 आता रहे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, राइट मार। हां, दियाली और प्रतिमान मेरे को आके बोला भी था कि हम लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे,
तो मैंने सोचा नहीं फ्रेंड है, लास्ट मोमेंट है, थोड़ा सा हेल्प कर देते, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ग्रेस कर दिया और हम लोग चिल्लाया नहीं। स्ट्रेट चल, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, राइट ले ले, राइट 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 राइट, हाँ राइट मार, पूरा पूरा उल्टा माले, हाँ माले माले माले, पूरा राइट मार 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 मार, आने दे आने दे आने आने दे आने दे आने दे, हाँ उसको पूरा नीचे से उठाना, खोल ले पहले उसे पूरा, हाँ पूरा खोल, वेरी गुड, अब इसको पूरा नीचे कर दे और नीचे से, और नीचे से उठा। हेल्प दे, मैंने उसमें टाइम वेस्ट करने का मैंने बोला कि अर्श को, मैंने कहा अर्श हेल्प में मेरे 30 सेकंड कट गए थे, तो जो मेरी टेंशन थी वो और बढ़ गई थी। डी 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 डी, दबाए रे दबाए रे, डी को और दबा ले, टाइट हो जाएगा, उठा ले ऊपर पहले, उठा पूरा डब्ल्यू, गिर जाएगा ऊपर, ऊपर डब्ल्यू से ऊपर। इतना टेंशन मेरे दिमाग के अंदर था, इतना प्रेशर मेरे दिमाग के अंदर था, जो मुझे गोल्डन चांस मिला है, अगर मैंने ये चांस खो दिया तो वो तेरी सारी परफॉर्मेंस नील हो जाएंगी, और एक तू आज जो हार के जाएगा ना तो पब्लिक तेरे पे थू-थू करेगी। चल चल चल, ज्यादा नहीं, हल्की सी की प्रेस कर। 12 लोगों में उससे मुझे सेलेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर भरोसा करता था, और मेरे को कहीं ना कहीं रिग्रेट था कि मेरी प्लॉटिंग की वजह से वो बाहर गया है ताकि मैं अपना गेम खेल सकूं। तो ये टाइम था, अगर मैं फिनाले में नहीं जा सकता तो मैं उसको पेबैक कर दूं उस चीज का जो चीज मैंने करी थी। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हां आने आने दे, चल सीधा सीधा सीधा, चल सीधा चल, डन बाय डन, लेफ्ट पास विक्की, बहुत बढ़िया, राइट 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 राइट, डन बाय, बहुत बढ़िया लड़के, वाओ विकास, ऑसम, कांग्रेचुलेशंस, यू वन, विनर, हार्ड लक, यू गोइंग बैक। एक छोटा सा होप था कहीं के शायद मेरा टाइम अच्छा हो उससे और मैं फिनाले में रहूं, फिनाले के इतने करीब आकर भी छूट गया। हमारे दो फाइनलिस्ट हैं हिमानी और विकास, कल आप दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा, वो कॉम्पिटिशन क्या है ये आपको कल ही पता लगेगा, बट वेल डन विकास, नाउ यू कैन चिल आउट, रिलैक्स। जो अंदर मेरे अंदर जो उस टाइम पे जो फीलिंग चल रही थी कि यस मैं रोडीज के फाइनली टॉप 2 के अंदर हूँ।